रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। जौनपुर जिले में अब हालात बस से बदतर हो गए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऑक्सीजन के अभाव में जौनपुर जिला अस्पताल के बरामदे में लेटे पाए गए मरीज। सूबे के मुख्यमंत्री भले ही लाख दावा करें, लेकिन जौनपुर में हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को ना तो ऑक्सीजन मिल रहा है और ना उन्हें अस्पतालों में दाखिला। गुरुवार को अमर शहीद उमानाज सिंह जिला अस्पताल में ऐसे ही एक मरीज ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के कारण पहुंचे, जिन्हें जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा यह बोला गया कि यहां पर बेड खाली नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़पते मरीज जिला अस्पताल के बरामदे में ही लेट गए, जिनकी स्थिति बेहद नाजुक दिखाई पड़ रही थी। उन मरीजों को तड़पता देख निजी एम्बुलेंस के मालिक व ड्राइवर ने मानवता दिखाते हुए तत्काल अपने एम्बुलेंस से ऑक्सीजन निकालकर तुरंत मरीजों को लगाया। इन मरीजों के लिए निजी एम्बुलेंस मालिक बने मसीहा, जबकि मुख्यमंत्री बार बार सभी जनपदों के जिलाधिकारी को यह निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी अस्पताल COVID-19 के मरीजों को भर्ती करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। वहीं जौनपुर के जिला अस्पताल के बरामदे में इन ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़पते मरीजों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल किस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में इन मरीजों के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटी है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बताने वाला शायद कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट PTNI न्यूज।